सबसे पहले मैं आप लोगों को एक साइन फंक्शन है उसी में हर चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो अभी कोई नया काम नहीं हम करेंगे, सिंपल हमारा एक प्यारा सा मासूम सा फंक्शन है जिसको आप कहते हो साइन फंक्शन, उसी की एग्जांपल लेके हमने सारी बातें डिस्कस करें। y इज इक्वल टू साइन है। देखो ये एक मासूम सा फंक्शन है, मैं इसका एक अगर आप 12.2 का टॉपिक देखो ना, मतलब 12.1 के बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है ग्राफ करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो करना पड़ेगा ग्राफ पेपर के ऊपर। तो वो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को बताया है, मैं बिल्कुल बच्चों को रिकमेंड नहीं करता कि पेपर में ये वाला सवाल आपने अटेम्प्ट करना है, टाइम लगेगा आपका फालतू में, लेकिन करवाऊंगा मैं जरूर। तो एक ग्राफ के क्वेश्चन जो है ना, चैप्टर नंबर 8 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था ग्राफ पे करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह एक दो लेक्चर में एक साथ ही मैं आप लोगों को ना ग्राफ पेपर पे वो इंशाल्लाह कैमरा रखूंगा ग्राफ के ऊपर, और साथ ही आप लोगों को ग्राफ पेपर भी पूरा समझा दूंगा। तो फिलहाल वो जो ग्राफ ड्रॉ करने का है ना सवाल, ये 12.1 के बाद जो टॉपिक पूरा है और 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो फिलहाल हम नहीं करेंगे। ग्राफ के अलावा जो क्वेश्चन है ना वो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ का इंशाल्लाह बाद में फिर कभी कर लेंगे। लेकिन बेसिक मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड बात बता दूं ताकि आप लोगों को बेसिक बातें समझ आ जाए। कि अगर आप साइन फंक्शन की बात करो ना, साइन फंक्शन को हम जरा ड्रॉ करते हैं, सारी बातें उसके बाद क्लियर होंगी। नॉर्मली जब आप साइन फंक्शन को ड्रॉ करते हो ना तो आपको बताया जाता है, गौर से सुननी है बातें, आधा घंटा जो भी हमारी क्लास रहेगी गौर से सुनने वाली है। कि साइन फंक्शन जब आपको बोला जाता है ना ड्रॉ करो, तो आपको बताया जाता है कि किस इंटरवल के अंदर आपने ड्रॉ करना है, क्योंकि साइन फंक्शन तो खत्म नहीं होगा ना, वो तो वहां भी भागता जाएगा यहाँ भी भागता जाएगा। तो आपको बताना है कि किस इंटरवल में आपको ड्रॉ करना है। तो नॉर्मली अगर आप देखो ना तो आपको बोला जाता है कि -2π से लेके 2π तक, तरीके से नॉर्मली आता है। अगर आसान कर दें तो बस 0 से लेकर 2π तक। और एंगल ज्यादातर रेडियन में ही डील करना आपको आने चाहिए, डिग्री में याद कर लो लेकिन ज्यादातर रेडियन में ही आपके पास आएंगे, तो रेडियन की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। तो जरा मैं आपको ना 0 से लेकर 2π हम यहाँ तक करते हैं और 0 से लेके -2π, तो ओवरऑल मैं पूरा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ रफली सा। कंसीडर कर लो एक्स एक्सिस पे इस तरह ड्रॉ हो रहा है। मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो मैंने बोला था साइन फंक्शन जो है वो यूनिट सर्किल के अंदर वो y के बराबर होता है और y वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, ये बात मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो जिस एंगल जो एंगल एक्स एक्सिस पे आते हैं ना उस पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू आपके सामने 3 एंगल दिखे हुए जिसपे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जब ग्राफ आएगा तो उसका मतलब वैल्यू उसकी 0 आ रही है। तो ये कौन कौन से एंगल है ये पता होना चाहिए आपको। तो ये वाला एंगल जो है ये है 0, कौन सा एंगल है 180 डिग्री, जो कि एक्स एक्सिस पे आता था, जिसको रेडियन में आप क्या बोलोगे, पाए। और ये कौन सा एंगल है, ये है 2π, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, इस पे भी साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा पीरियड होता है जो मैंने आप लोगों को साइन का बताया था, 0 से इसको एक साइकिल हम कहते हैं, 0 से लेकर 2π तक एक साइकिल मानी जाती है। तो आप देखो 0 से लेकर 2π तक आपका साइन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। अब जब 2π के बाद आप बनाओगे ना दोबारा आपका ग्राफ रिपीट करेगा, ये समझो। तीन पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये जो पीक वाला पॉइंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना बच्चों आपको मिलती है 90 डिग्री के ऊपर, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ना इस पॉइंट के ऊपर 1, वो किस एंगल पे मिलती है, 90 डिग्री पे, जिसको आप रेडियन में लिखते हो π/2। तो मैक्सिमम x की वैल्यू मतलब x π/2 पे आपको आंसर मिलता है 1। और साइन की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, -1, जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे मिलेगी ना -1। आपको किस एंगल पे मिलती है, 270 डिग्री के ऊपर। 270 डिग्री को रेडियन में आप कैसे लिखोगे, 3π/2। ये जो 5 एंगल मैंने लिखे हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरह 5 एंगल कॉस के अंदर होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन साइन को अगर आप समझ लो ना तो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने साइन की एग्जांपल देनी है और बातें आपको पूरी समझानी। तो ये 5 जो है ना ये मैंने आप लोगों को बता दी, ये इंपॉर्टेंट एंगल आपको पता होना चाहिए, किस पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रही है और 0 आपको कहाँ पे मिल रहा है, 3 एंगल मैंने बता दी। इसी चीज को हम जरा नेगेटिव भी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी इसको बना देते हैं ग्राफ को, सही बना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा ये 0 था, जैसे वो पाए था तो ये हो जाएगा -π, और वो 2π था तो ये हो जाएगा -2π, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1 किस एंगल में मिलेगी, -π/2। अगर आपको याद हो साइन यहाँ पे मैक्सिमम होता था 1 वैल्यू मिलती थी और यहाँ पे मिनिमम होता था -1 मिलती थी, यूनिट सर्किल की बात करता हूँ। इस वाले एंगल को आप बोलते थे 90 डिग्री और इस वाले एंगल को आप बोलते थे 270 डिग्री। तो आपने देखा 270 डिग्री पे 270 मतलब 3π/2 क्या होता है 270 होता है। तो आपको मिनिमम वैल्यू बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, इस 270 एंगल को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो ये होगा, मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ये पूरा 270 है, और अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो ये यहां तक है। तो ये क्लॉकवाइज में कितना होगा -90। इसका मतलब जो 270 पे आपको आंसर मिल रहा है ना वही आपको -90 पे मिलेगा। तो देखो जो 270 पे मिल रहा था वही आंसर आपको -90 के ऊपर मिल रहा है। इधर भी -1 मिल रहा था 270 पे, और यहाँ पे -90 के ऊपर आपको -1 मिल रहा है। ठीक है, और ये जो आप जिसको 90 बोल रहे थे, इसको अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो कितना होगा? अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कोई स्टूडेंट बता सकता है एंगल कितना होगा? यहाँ पे आप स्टार्ट में हो और यहाँ पे आपने खत्म किया है, क्लॉकवाइज जा रहे हो, कितना एंगल होगा किसी को नहीं पता चल रहा? -270। एक्सीलेंट भाई, -270 डिग्री, क्योंकि आपने 3 क्वाड्रेंट कवर किया ना। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर आप यहाँ पे गए हो। तो 3 क्वाड्रेंट जब आप कवर करते हो 270, लेकिन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो ये जो -270 पे भी आपको 1 आंसर मिलेगा और 90 पे भी आपको 1 मिलेगा। तो ये वो एंगल है जो कि क्या है -270, जिसको आप लिखोगे -3π/2, जिसपे आपको अगेन मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ये सेम ही इनकी पीक होगी, अगर दिखने में थोड़ी नीचे लग रही है तो वो ग्राफ मैंने ऐसा गलत बनाया, वरना सेम ही पीक होगी। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो -270 और 90, इस पे आपको आंसर 1 मिल रहा है, और -90 और 3π/2 मतलब 270, इस पे आपको आंसर सबसे मिनिमम मिल रहा होता है -1। तो ये बेसिक बात तो आपको साइंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। कल जब मैंने आप लोगों को साइन का ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स एक्सिस पे वो कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे बेसिक सी बात हमने डिस्कस की थी कि अगर साइन का ग्राफ है और एक आप पूरा साइकिल बनाते हो, लेकिन ये जो साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये होता है कि 0 से लेके 2π तक आप अगर ग्राफ देखो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है .0, कल मैंने आप लोगों को बताया था। ये वाला पॉइंट होता है पाए, ये वाला पॉइंट होता है 2π। तो अगर आप 0 से लेकर 2π तक देखो आपका ग्राफ एक ही दफा आ रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 साइकिल। अगर इसका पीरियड में थोड़ा चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह कर दूं, मतलब अब ये पाए पे खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो ये 0 है और ये पाए है। तो अब 0 से लेके पाए के दरमियान, वैसे हम देखते हैं 0 से लेकर 2π, तो अगर आप 2π फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना रहे हो तो एक और साइकिल आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब 0 से लेकर 2π तक आपके पास कितनी साइकिल है? अब आपके पास 2 साइकिल है यहाँ पे। तो हम ये देख रहे होते हैं कि 0 से लेकर 2π तक आपका ग्राफ कितनी दफा रिपीट हो रहा है। अगर एक दफा रिपीट हो रहा है 0 से लेकर 2π तक तो हम कहेंगे यार एक साइकिल है उसकी। अगर वो 0 से 2π तक 2 दफा रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे 2 साइकिल है। तो साइन कॉस इनके ग्राफ जो है ना वो हम इस तरीके से देख रहे होते हैं, जबकि टेंजेंट के अंदर हम 0 से लेकर पाए तक देख रहे होते हैं कि वो ग्राफ कितनी दफा रिपीट हो रहा होता है। तो ये थोड़ा साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। खैर, तो ये बेसिक बात आप लोगों को मैंने कल बताई थी कि क्या 0π 2π कहाँ पे होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट था ये होता था 90 डिग्री मतलब π/2, ये वाला पॉइंट था 3π/2 मतलब 270 डिग्री। ये बेसिक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, कल मैंने डिस्कस की थी। अब आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर कि आपके पास 4 टर्मिनोलॉजी है साइन और कॉस के ग्राफ से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो उनके बारे में जरा समझना है कि वो क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक साइन फंक्शन लिख के देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होगा ये क्या। कंसीडर कर लो आपके पास एक फंक्शन है y = 2sin 2x + 4, या पाई कर लो, इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल +2। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जब फुल फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना तो इस तरीके से आपके पास आ सकते हैं कि उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, उस पूरे फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, उसका जो एंगल है उससे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उस एंगल में कोई नंबर ऐड हो रहा होगा। तो मैक्सिमम अगर आप साइन फंक्शन देखोगे ना फुल फॉर्म, अगर आप देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि हर दफा 3 टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। अगर 2 टर्म है तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x लिखा हुआ है, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है x² + 2, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। हत्ता कि अगर ये आपके पास लिखा हो अब भी आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। लेकिन अगर मैं फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसके अंदर 3 टर्म होती है, x², x और फिर कॉन्स्टेंट की होती है। तो इसी तरह अगर आप फुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करो स्पेसिफिकली साइन और कॉस की, तो उसमें आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। सेम साइन के अंदर भी है, सेम कॉस के अंदर भी आपको चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे 4 चीजें जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में समझाऊंगा, उसके बाद मजीद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि भाई आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, लैंग्वेज में कि एक्स एक्सिस से आप देखो उसका मैक्सिमम पॉइंट तक, मतलब एक्स एक्सिस से मैक्सिमम पॉइंट तक उसका कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो साइन के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। तो साइन के साथ फंक्शन के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 के बराबर, मतलब एक्स एक्सिस से ये 2 यूनिट ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बना हुआ साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे सिंपल 1 है इसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा 1 के बराबर और मिनिमम पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे -1 के बराबर। लेकिन अगर ये 1 साइन एक्स का ग्राफ है, अगर मैं आपको बोलूं 2 साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम तक का डिस्टेंस है वो अब 2 होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। कंसीडर कर लो ये 2 पॉइंट है, तो अब ग्राफ उठ जाएगा पूरा, नीचे भी उठ जाएगा। कंसीडर कर लो ये वाला पॉइंट जो है -2 है। तो अब आप देखो ये ग्राफ काफी अजीब सा बना है, जितना ऊपर होगा उतना नीचे ही होगा। तो अब आप देखो एक्स एक्सिस से बिल्कुल मैक्सिमम पीक तक का डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो अब आप बोलोगे जो आपका ग्राफ का एम्पलीट्यूड है ना, मतलब एक्स एक्सिस से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस, अब वो क्या है, 2 के बराबर है। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। डायग्राम थोड़ी सी खराब बनी है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट -2 है। तो ऑब्जर्व करो, जो पहले ग्राफ आपने बनाया था ये साइन एक्स का ग्राफ था, इसका एम्पलीट्यूड 1 था, लेकिन जब मैंने 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो जो पहला नंबर है ना, जो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये पहली चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया। दूसरी चीज होती है पीरियड, पहले भी हम देख चुके हैं। पीरियड का ताल्लुक होता है कि एक्स से क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है। सिंपल अगर आप साइन एक्स की बात करो, अगर मैं सिंपल साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप सबको पता होगा साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2π होता है। मतलब 0 से लेकर 2π तक आप इस तरीके से ग्राफ बन रहा होता है, फिर रिपीट होता है। ये ग्राफ होता है सिंपल साइन एक्स का। लेकिन अगर मैं इसके एंगल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे सवाल में देखो इसका एंगल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है सिंपल साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो अब इसका पीरियड क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है। साइन का पीरियड होता है 2π डिवाइडेड बाय जो भी नंबर एक्स के साथ लिखा हुआ है, 2 लिखा है। तो सॉल्व करो, अब इसका पीरियड क्या आ रहा है, पाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो एक साइकिल है, एक रिपीटेशन जो है ना, इसकी पूरी साइकिल, अच्छा वर्ड नहीं होगा, एक रिपीटेशन जो है या साइकिल भी आप बोल सकते हो, वो 0 से लेके पाई तक खत्म हो रही है। पहले 0 से लेके 2π तक था, अब ये 0 से लेके पाई तक रहेगा। किस तरीके से, जरा देखो इसकी एक पूरी साइकिल जो है वो खत्म होगी पाई के ऊपर। तो पीरियड क्या था इस वाले का, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ था, इसका पीरियड 2π था। लेकिन अगर आप साइन 2x का ग्राफ बनाओगे ना, तो अब इसका पीरियड पाई हो जाएगा। मतलब 0 से लेके पाई तक इसकी एक पूरी रिपीटेशन होगी, एक पूरी साइकिल होगी। तो देखो 0 से पाई तक इसकी एक पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी। तो जब भी आप x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड में फर्क होता है। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2, 3, 4 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ग्राफ क्या है, उसका पीरियड कम होता जाएगा। मतलब आप उसको ये समझ लो ग्राफ उसका बेचारा कॉम्प्रेस होता जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, पीरियड। कोई सवाल हो तो बीच में पूछते जाना। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। एक होगा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, एक होगा वर्टिकल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नाम से बता रहा है कि आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बना रहा हूं साइन एक्स का ग्राफ। अभी साइन एक्स का ग्राफ है, 0 से लेके अगेन वही 2π तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मैं ग्राफ बनाता हूं इसका साइन एक्स +2 का, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल के अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया, 2 छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल हम पाई की बात करते हैं, समझने में थोड़ी आसानी होगी। मैंने क्या किया, मैंने एक्स के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया। जब भी आप एंगल के अंदर कोई नंबर ऐड करते हो, याद रखना इस बात को, जब भी आप एंगल के अंदर किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ये सिंपल साइन का ग्राफ था, लेकिन जैसे ही आप एक्स के अंदर किसी नंबर को ऐड करोगे, तो या तो ये राइट पे चला जाएगा या ये लेफ्ट के ऊपर चला जाएगा। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, आप देखो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब वो लेफ्ट पे चला जाएगा। कल भी बताया था, प्लस आए तो समझ जाना वो लेफ्ट पे जा रहा है, और अगर माइनस आए तो समझ जाना आपने उस ग्राफ को क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट करना। शिफ्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट आप उसको कर रहे होगे। कितना शिफ्ट करना है आपको, अगला सवाल ये होगा ना आपका कि भाई प्लस आ रहा है, ये तो हमें पता है कि यार हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन कितना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बच्चों सिंपल ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आपने ऐड किया ना, पाई डिवाइडेड बाय जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कितना आपने शिफ्ट करना है, पाया अपॉन वन, सिंपल लैंग्वेज में पाया आपको शिफ्ट करना है। अच्छा, अगर इस एग्जाम्पल में मैं आपको बोलूं कितना शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पाए और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ टू, तो यहाँ पे आप कितना शिफ्ट करोगे, पाई अपॉन टू शिफ्ट करोगे। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालने का सिंपल तरीका होता है जो नंबर ऐड हो रहा है डिवाइडेड बाय एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, जो लिखा होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। और अगर एक्स के साथ नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अगेन वही बात, डिस्टेंस की बात की जा रही है ना, तो डिस्टेंस के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होगा। नेगेटिव का एक और मतलब है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालने का सिंपल यही तरीका होता है कि जो नंबर ऐड हो रहा है डिवाइडेड बाय जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के साथ वन लिखा हुआ था तो सिंपल यहाँ पे आपको कितना शिफ्ट करना है, पाई शिफ्ट करना है। तो ये सिंपल ग्राफ था साइन एक्स का। अब आपने इस ग्राफ को पाई यूनिट शिफ्ट करना है, कहाँ पे, प्लस का मतलब लेफ्ट, मतलब इस ग्राफ को आप पीछे ले आओगे। तो ये समझ लो पहले ग्राफ जीरो पे स्टार्ट हो रहा था, ये पॉइंट पाए था, कंसीडर कर लो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो माइनस पाए होगा। तो अब पहले आपका ग्राफ जीरो पे स्टार्ट हो रहा था ना, अब आपका ग्राफ पीछे आ जाएगा, लेफ्ट के ऊपर आ जाएगा, कितना, पाई यूनिट, ये पूरा पाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये पहला वाला ग्राफ जो है साइन एक्स का है, दूसरा वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स प्लस पाई का है। मैंने ग्राफ को पाई यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ पे आ रहा होता बिलफर्ज माइनस पाई, दरम्यान में माइनस आ रहा है, इसका मतलब अब मुझे कहाँ शिफ्ट करना होगा, राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो अगर ये सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, अब इसको आपने पाई यूनिट शिफ्ट करना है राइट के ऊपर, ये पूरा पाई डिस्टेंस है। तो अब आप अपने ग्राफ को यहां से स्टार्ट करोगे, होगा ये पॉइंट क्या होगा, थ्री पाई होगा, मतलब अब आपने स्टार्ट किया पाई से और खत्म किया थ्री पाई के ऊपर। ये उस वक्त होगा जब दरमियान में नेगेटिव आ रहा है कि आपने राइट की तरफ मूव कर दिया, और अगर दरमियान में पॉजिटिव आता तो आपने इस ग्राफ को लेफ्ट की तरफ पाई यूनिट जो है वो शिफ्ट कर देना। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का। और आखिरी चीज वो है वर्टिकल शिफ्ट। ये चार चीजें ही हो सकती हैं किसी भी साइन कॉस फंक्शन के साथ। मैं साइन कॉस इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है ये बाकी फंक्शन में नहीं होता। साइन के अंदर ये एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है क्योंकि बाकी फंक्शन वो सब बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं है। साइन और कॉस तो रुके हुए होते हैं ना, तो ये बाकी कॉन्सेप्ट तो मिल जाएंगे पीरियड का, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, लेकिन एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको बाकी ग्राफ में मिलता है। दैट्स वाई चार चीजें जो है स्पेसिफिकली साइन कॉस के अंदर होती है, बाकी दो तीन चीजें जो है ये आपको बाकी फंक्शन में भी नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल शिफ्ट का मतलब क्या है, कंसीडर कर लो। मैं आपके सामने अगेन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ग्राफ है साइन एक्स का, जीरो से लेकर टू पाई तक है। मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, वन के बराबर, मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पे वन के बराबर। ये बेसिक किसका ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ ड्रॉ करो साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले अगर आप देखो आप स्टार्ट करते थे जीरो से, मतलब एक्स एक्सिस से आप स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप स्टार्ट कहां से करोगे, अब वन यूनिट से आप स्टार्ट करोगे। वन यूनिट कहां पे होता है, ये पूरा वन यूनिट है ना, इसका मतलब पहले एक्सिस आपका यहाँ पे होता था, अब आपका एक्सिस यहाँ पे चला गया। एग्जैक्टली पीक मैच कर रही होगी इससे डायग्राम में इस तरीके से। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, ये आपका एक्स एक्सिस था। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ को वन यूनिट ऊपर ले जाना है, मतलब पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब वन से स्टार्ट होगा इस तरीके से। एग्जैक्ट देखो हुआ क्या, ये पॉइंट इसे टच कर रहा होगा। एग्जैक्ट आप देखो ये मैक्सिमम पीक अब आपको कहां पे मिलेगी, टू के ऊपर मिलेगी। देखो पहले आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा था, करते करते मैक्सिमम पॉइंट वन था उसका। अब आपने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर वन ऐड कर दिया, इसको वर्टिकली आपने ऊपर कर दिया। जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब वन से स्टार्ट होगा। पहले मैक्सिमम पॉइंट इसका वन था, लेकिन आपने इसको वन यूनिट ऊपर कर दिया है ना, तो अब मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो स्टार्ट आपका वन से होगा, मैक्सिमम पॉइंट टू होगा, फिर करते करते इस पॉइंट पे आएगा। फिर मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम माइनस वन होता था, अब मिनिमम क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक यूनिट ऊपर आ गया। तो ये आपके पास पूरा ग्राफ है। अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, बिलफर्ज आपने कोई नेगेटिव नंबर ऐड किया, तो अब क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। मतलब यही ग्राफ है ना, आप देखना इस तरह बनेगा। पहले आपका एक्सिस वन पे चला गया था, अब आपका एक्सिस माइनस वन पे चला जाएगा, और आपका ग्राफ पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब माइनस वन से स्टार्ट होगा इस तरीके से। इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा कुछ कि जो पहले ऊपर का रास्ता, अब उसको क्या किया आपने, वन यूनिट नीचे ले गए हो। तो अगर माइनस आएगा इसका मतलब आपने नीचे ले जाना है, अगर प्लस आएगा इसका मतलब आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए आपको इनपुट में कोई चीज ऐड करनी होती है, जबकि वर्टिकल के लिए आपको पूरे फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड करना होता है। ये बेसिक सा फर्क है। इनपुट में कोई नंबर ऐड करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा होगा, और अगर पूरे फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड करोगे तो वर्टिकली शिफ्ट कर रहा होगा। ये जो चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना बच्चों, ये मैंने बहुत अरसे पहले 3-4 मिनट की वीडियो बनाई थी। मैंने सॉफ्टवेयर के जरिए से हर चीज आप लोगों को डिटेल में बताई थी जो मैं बोर्ड पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। वो वीडियो मैं ना जब ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा मैं वीडियो उसके साथ एडिट करके लगा दूंगा, तो वीडियो में भी आप पूरा देख लोगे ग्राफ पे, एक्चुअल ग्राफ में जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया डेमोन्स्ट्रेशन, वो आप वीडियो में भी देखोगे तो आपको मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल किसी का यहाँ तक है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने से पीरियड में भी चेंजिंग आती है? नहीं, बिल्कुल चेंजिंग नहीं आती। हॉरिजॉन्टल जैसे ये था, किधर मैंने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट समझाया था आप लोगों को, यहाँ पे नहीं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यहाँ पे समझाया था। देखो मैं काम करता हूँ दूसरा वाला मिटा देता हूँ, मैं प्लस पाई का ग्राफ बनाता हूँ ताकि आप एक और जगह बना देता हूँ ना, मसला हल करते हैं। कंसीडर कर लो ये आपके पास ग्राफ है, मैं ब्लैक से बनाता हूँ और डैश से बना दूंगा शिफ्ट करने के बाद। ये आपके पास सिंपल ग्राफ है साइन एक्स का। मैं कहता हूँ कि आप लोग ड्रॉ करो साइन, इनपुट में कोई पाई ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट में पाई ऐड कर दिया, कितना आपको शिफ्ट करना है, फॉर्मूला क्या बताया है, पाई डिवाइडेड बाय जो एक्स के साथ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। जब भी एक्स के अंदर कोई नंबर ऐड होता है ना तो वही इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है। जब तक एक्स के साथ कोई और नंबर ना हो ना तो फिर आप डिवाइड करने वाला काम करते हो। अगर सिंपल एक्स के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा होता है तो वही आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, पाई, पाई का मतलब क्या है, पाई के साथ दरमियान में क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट पे लेके जाना है। यही ग्राफ है, यही इसका पीरियड है, 0 से स्टार्ट हुआ था 2 पाई पे खत्म हुआ था। पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इसकी एक साइकिल 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान एक पूरी साइकिल थी, अभी भी यही रहेगी, 2 पाई डिस्टेंस पे इसकी एक साइकिल रहेगी। बस फर्क क्या होगा, ये वाला पॉइंट पाई होता है ना, एज्यूम कर लो ये यहाँ पे -पाई है, तो आपने क्या करना है इस ग्राफ को उठा के पीछे ले जाना है, बस ये काम कर रहा है, बस पीछे लेके जाओ तो आप इस तरह बनेगा। अगर आप देखो पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाला पॉइंट है -पाई, -पाई से स्टार्ट हुआ खत्म कहाँ पे हुआ, पाई पे, तो -पाई से लेके पाई तक का कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई होता है। डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी 2 पाई है और ये भी पूरा 2 पाई है, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये समझ लो ग्राफ को उठा के आपने पीछे की तरफ ले जाना है, बस। आई बात समझ? यस सर। तो बाकी मैं वीडियो इंशाल्लाह एडिट करके लगा दूंगा तो उसमें भी आप लोग देख लेना, मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। तो एक टॉपिक तो मुझे आप लोगों को ये करवाना था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मसला नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये आप लोगों को 4 चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं यार, तो बता रहा हूँ ये सिंध बोर्ड में पहले तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट टाइम भी ये पढ़ाया था बच्चों को, लेकिन इस दफा तो आप लोगों की बुक में मौजूद है तो पढ़नी पढ़नी है आप लोगों को। तो ये पूरा यही काम आपने कॉस्ट के साथ भी करना है, कॉस्ट के साथ भी यही 4 चीजें होती हैं जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई। तो अब बिलफर्ज अगर मैं बोलूँ ना इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस पूरे फंक्शन का एक साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखना कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये आप लोग सॉफ्टवेयर से भी वेरीफाई कर लेना जाके। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये ग्राफ जो है ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, कितना मुझे पता है। फिर मैं देखूंगा इसका पीरियड क्या है, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो उसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पे पाई होगा। तो मुझे पता चल गया इसका एम्पलीट्यूड 2 है, पीरियड इसका पाई है। अच्छा, और मुझे क्या जानना है, वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसके अंदर आ रहा है π/2 और वर्टिकल शिफ्ट इसके अंदर आ रहा है 2। अब इस डाटा से मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है। नॉर्मल जो साइन ग्राफ होता है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपके पास वर्टिकल शिफ्ट कितना है, अभी एक हिस्से में आप बना नहीं सकते, आपको बार बार इसको ना फेयर करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल फॉर्म नहीं आएगा। सबसे पहले देखो आपका नॉर्मल साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, तो मैं एक बेसिक सा यहाँ ग्राफ बना देता हूँ। यह है पाई पॉइंट, यह है 2 पाई पॉइंट, मैक्सिमम पीक आपको मिल रही है 1 पे, मिनिमम आपको मिल रही है -1 पे। ये बेसिक साइन का ग्राफ होता है, लेकिन अब आपने क्या किया, इसका एम्पलीट्यूड 2 कर दिया, इसका मतलब आपने अब इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, 2 तक होगा। इसी ग्राफ को मैं चेंज करके इस तरह बनाता हूँ। देखो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 2, मिनिमम पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, -2। तो ये इस वाले का जो मैंने दूसरी पीक बनाई है ना, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब मैंने सिंपल अभी ये ड्रॉ किया 2 sin। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मुझे पीरियड देखना है भाई, पीरियड यहाँ पे क्या है, पाई है, जबकि इसका पीरियड तो 2 पाई है, 0 से लेकर 2 पाई तक है। अब मुझे इसको श्रिंक करना है, मैं श्रिंक कैसे करूँ, मतलब मुझे पाई पे खत्म करना है इसको, एक पूरी साइकिल पाई पे खत्म हो रही है, तो जरा देखना कैसे करते हैं। एम्पलीट्यूड उतना ही रहना है, एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आना, इस तरीके से। अगर आप देखो स्टार्ट हुआ 0 से, मैक्सिमम कहां पे गया 2 पे। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 होगा। 0 और पाई के दरमियान पॉइंट होता है ना, तो पाई बाय 2 होगा सिंपली। करते 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 एक पूरी साइकिल इसमें कितने खत्म होगी पाई में। अगर आप इसका एम्पलीट्यूड देखो तो 2 है, मैक्सिमम पॉइंट 2 है इसका। अच्छा अगर आप इसका पीरियड देखो तो पाई में खत्म हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब अभी तक सब चीजें जो हमने बनाई थी ना, ये हमने ग्राफ बना दिया इसका 2sin 2x का। उसके बाद आपने इसको शिफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ये जो आपका ग्राफ बना है ना छोटा सा, अब इसको आपने शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट करना है? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना है, पाई बाय 2। दरम्यान में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो इसको हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। कितना, पाई बाय 2। तो एज्यूम कर लो ये वाला डिस्टेंस पाई बाय 2 था ना, मतलब ये पाई है और ये पाई बाय 2 होगा। तो तकरीबन इतना हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा -π/2। ये आपको -π/2। तो ये ग्राफ बना हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे खत्म हुआ था। इसको आपने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है π/2। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जरा देखना कैसे बनेगा। ये ऊपर जाएगा 2 पे, नीचे आएगा, करते करते यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आप देखो अभी भी इसका पीरियड पाई है। ये पॉइंट था -π/2, ये पॉइंट था π/2। तो -π/2 से लेके π/2 तक डिस्टेंस कितना होता है, पाई होता है। तो बाकी जरा मैं आप थोड़े मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। आपका फाइनल ग्राफ ये बना हुआ है अभी, ये फाइनल ग्राफ है आपका अभी, ये बना था कि -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, करते 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 खत्म किसके ऊपर है, π/2 के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया था, लेफ्ट की तरफ इसको मूव किया था। तो ये ग्राफ जो है ना अभी मैंने बनाया है, इसका ग्राफ बन गया। अब फाइनल एक चीज आपको करनी है, वो क्या करना है, इसको वर्टिकली आपको ऊपर लेके जाना है। कितना, 2 यूनिट, +2 लेके जाना है। तो अब देखो +2 का है यहाँ पे, तो अब आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। पहले आप ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, अब आपने यहाँ से स्टार्ट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, अब ये आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर। अब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, जाएगा यहाँ पे आएगा, करते करते इस तरीके से आएगा। तो अगर आप देखो अब इसकी मैक्सिमम पीक कहाँ पे होगी, 4 के ऊपर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग आप 2 से कर रहे हो ना, तो 2 से आपको कितना ऊपर जाना है, 4 पे जाना है। तो मैक्सिमम 4 पे होगी, करते 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 ये होगा। तो अगर आप देखो नीचे वाला जो है, जिसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है, ये वाला ग्राफ देखो और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, सेम ग्राफ है बिल्कुल। -π/2 से लेके π/2 तक है, ग्राफ बिल्कुल सेम है, पीरियड सेम है, हर चीज है। बस इस ग्राफ को उठा के आप ऊपर ले गए हो 2 यूनिट, बाकी एग्जैक्ट पूरी चीज सेम है। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये आपका फाइनल ग्राफ है जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना बोर्ड पे, ये फाइनल ग्राफ है इस वाले इक्वेशन का। अगर आप इसको ऐप पे बनाओगे तो आप देखोगे आपको इसी किस्म के डायरेक्ट, जब आप ये पूरी चीज देखोगे ना तो ग्राफ आपको डायरेक्ट ये चीज दे देगा, जबकि उसके पीछे ये सारे स्टेप्स थे, जिन स्टेप्स को कवर करके आपने इसका ग्राफ पूरा बनाया था। लेकिन ग्राफ तो आपको डायरेक्ट ये वाला बना के दे देगा, तो आप लोग जाके वहां देख लेना, आपको पता भी चल जाएगा। चलो स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी, मैं फाइनल आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। y = 2 sin, अच्छा स्टार्टिंग से करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल था sin x, y = sin x। तो देखो एक बेसिक सा ग्राफ आपको मिल रहा है इस तरीके का। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्पलीट्यूड चेंज करना था। ये लो मैं 2 ले आया इसके अंदर। अब देखो इसके एंड कहाँ पे हो रहा है, 2 के ऊपर एंड हो रहा है। ये देखो 2 पॉइंट है, कुछ भी नहीं हुआ, पीरियड अभी भी वही है। देखो 0 से लेकर 2 पाए तक ये 0 है, 0 से लेकर 2 पाए तक ये पूरी एक इसकी साइकिल हो रही है। लेकिन फर्क क्या, अब इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया, ये फर्क हुआ है। अब मैं इसके पीरियड में चेंजिंग करता हूँ। ये देखो सेम ग्राफ है, लेकिन अब देखो साइकिल 0 से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, पाई के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड 2 ही है इसका, लेकिन पीरियड जो है वो अब क्या हो गया, इसका पाई के बराबर हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता हूँ इसको। मैंने इसके अंदर ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल पाई, तो ये रहा पाए। अब आप देख लो हुआ क्या, आप अगर आप पीछे चला गया, ये आपको चीज नजर आ रही है, नहीं आ रही है, एक सेकंड रुको, कैसे हम इसको समझाएं, मैं अभी इसको लिख नहीं था। ये था आपके पास ओरिजिनल ग्राफ, देखो ये 0 है, ठीक है। π/2 आपका कहाँ पे आ रहा होगा, π/2 अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो ना तो 1.5 होता है। तो ये 0 है और ये -2 है, तो 1.5 तकरीबन यहाँ पे आएगा। ये जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ है ना, ये दरमियान में बिल्कुल, ये -1.5 तकरीबन यहाँ पे होगा कहीं, सॉरी ये तो -1 है ना, तो ये -1.5 की यहाँ पे होगा। देखना इस पॉइंट से अब आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, ऑब्जर्व करना जरा। जब मैं काम करता हूँ, एक और बनाता हूँ और उसके अंदर चीजें करता हूँ। y = 2 sin 2x + π। आप देख रहे हैं दोनों ग्राफ में फर्क क्या है। ये देखो ब्लू वाला ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम ये रेड वाला ग्राफ जो पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, इसको आपने पीछे लाना है, लाते 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 यहाँ पे ले आना है। और अब ये स्टार्ट हो रहा है -π/2 पे। क्योंकि आपका नजर इसलिए नहीं आया क्योंकि पूरी वेव बन रही है, आपको फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को फर्क बता रहा हूँ कि पहले चीजें जीरो से स्टार्ट हो रही थी, आपने क्या करना है, आपने उसको उठा के यहाँ पे ले आना है -π/2। तो अभी आपका ग्राफ -π/2 से इस तरीके से बन रहा है, ये पूरी साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये आपको बेस्ट उस वक्त नजर आएगा जब आप छोटा सा इंटरवल लो ना, -π/2 से लेके π/2, तब आपको चीजें समझ आएंगी। अभी पूरा ग्राफ बना हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा मसला हो रहा होगा। बस अब आखिरी काम करते हैं, इसके अंदर हम वर्टिकल शिफ्ट देते हैं, तो ग्राफ आपको ऊपर चला गया। आप देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये 2 पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, करते करते 4 पे जा रहा है, इसी तरह करते करते यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर एक्स वैल्यू देखो ये होगी तकरीबन -π/2 और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये होगी π/2। इस तरीके से आपका ग्राफ पूरा बनेगा। अगला टॉपिक भी यही है, ये किस्तों में मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन क्लास के एंड पे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, जो अब हमने समझना है ना वही चीज है, बस अब थोड़ा डिफरेंट अंदाज में समझते हैं। किधर गया मार्कर? अब जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा, आप लोगों ने अभी ये ऑब्जर्व किया था, मेन चीज जो है वो आप लोगों ने समझ ली। अब बस आप ऑब्जर्व करो क्या सब चीजें हो रही है। आपने सिंपल देखा था y = sin x का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपने खुद देखा एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं कि आपका ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेच हो गया। आपका ओरिजिनल ग्राफ ये था, मैक्सिमम पीक बनती इसकी, जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच का मतलब आपने ग्राफ को पकड़ के खींचा। तो जब आप किसी फंक्शन को, जो मैं रिजल्ट बताने लगा, जब आप किसी फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, जब आप किसी 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना फंक्शन को, तो वो वर्टिकली क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता 1/2 से, अब इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड मैंने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड 1/2 कर दिया। मतलब अब एक्स एक्सिस से लेके 1/2 तक इसका मैक्सिमम होगा। अगर ये 1 है तो 1/2 के यहाँ पे होगा, तो ग्राफ आपका स्टेप का हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये कि दरमियान में जो ग्राफ लिखा हुआ है ना, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये ग्राफ है सिंपल साइन एक्स का। अगर आप इस साइन एक्स के ग्राफ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 से ग्रेटर होगा, तो ये आपका ग्राफ ना वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे आपने ये ऊपर वाले में देखा था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये स्ट्रेच हो गया था। और अगर आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 से छोटा है, जैसे 1/2, तो आप ये वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाएगा। इसको इस तरह समझो कि साइन एक्स ब्लैक वाला ग्राफ है, इसको मैं दबा रहा हूँ, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखो नीचे छोटा सा हो गया। तो ये इफेक्ट पड़ता है जब आप किसी ग्राफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। 1 से ग्रेटर भी बता दिया, 1 से छोटा नंबर है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास सिंपल साइन एक्स का ग्राफ। क्या कर रहा हूँ, इसको 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 π पे खत्म हो रहा है। अब मैं इसके एंगल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो बच्चों, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि पूरे फंक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और एक होता है कि आप एंगल से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कंसीडर कर लो सिंपल साइन एक्स का था, अगर मैं इसके एंगल को मल्टीप्लाई करूंगा किसी नंबर से, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या होगा, अब आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाएगा। पीरियड कम हो गया ना इसका, यही ग्राफ है लेकिन अब इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड 2π था, इसका पीरियड π हो गया। इसका मतलब आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस कर दिया आपने उसको। अगर ये π है तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो देखो ओरिजिनल मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ओरिजिनल ये ग्राफ था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेस करते हुए आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप इसके एंगल को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो 1 से ग्रेटर है, तो ये हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इसके एंगल को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, मतलब ऐसे नंबर से जो 1 से छोटा है, तो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा पूरा। अब इसका पीरियड निकालना, पीरियड इसका 4π है, तो अब ग्राफ इस तरह बनेगा। एज्यूम कर लो कि ये डिस्टेंस पूरा 4π यहाँ तक। तो अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि स्टार्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब देखो हुआ क्या, ओरिजिनल ग्राफ ये था, आपने क्या किया, आपने इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर दिया। कंक्लूजन क्या है कि जब आप इसके एंगल को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 से ग्रेटर होगा, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका पीरियड कम हो जाएगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टली आपने उसको कॉम्प्रेस किया। तो क्या मैं बात बोल रहा था कि अगर आप इसके एंगल को किसी ऐसे नंबर से, अभी अपने पास लिख लेना, मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है वरना बहुत देर लग जाएगी। अगर मैं इसके एंगल को वन से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो बेचारे के साथ क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो गया, ये ग्राफ छोटा सा बन गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ ये था, इसको खींचो तो अब ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 2π तक इसकी हाफ साइकिल ही कंप्लीट होगी, फुल साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको 4π तक पूरा डिस्टेंस चाहिए, तो अब इसकी साइकिल क्या होगी, हाफ साइकिल होगी 0 से लेकर 2π के तक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वर्टिकली स्ट्रेच कॉम्प्रेस, इसका ताल्लुक होता है कि फंक्शन को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, और हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच का ताल्लुक होता है कि आपने उसके एंगल को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया, अब ये काम आएगा आप लोगों की, सब चीजें काम आएंगी जब एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करोगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को नेक्स्ट सीढ़ी पे लेके जाता जा रहा हूँ। तो इसमें सवाल है किसी का? नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब क्या करना था, एक सेकेंड, मैंने लिखा अपने पास एम्पलीट्यूड तो आप लोगों को बता दिया ना, अच्छा ये भी हो गया। हाँ, अब माइनस का इफेक्ट आपको बताना है। कितनी दफा ऐसा होता है कि आपके ग्राफ के साथ माइनस आ जाता है, तो जरा माइनस का इफेक्ट देखो कि माइनस से आपके ग्राफ पे इफेक्ट क्या पड़ता है। दो चीजें अगेन, जैसे आपने देखा था फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना एक चीज है और उसके एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई करना एक चीज है। मसलन फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ है y = sin x का, बेसिक सी बात करते हैं 0 से लेकर 2π। बिलफर्स मैं आपको बोलता हूं आप ग्राफ बनाओ y = -sin x का। क्या किया मैंने, इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है, इसको ये समझ लो कि एक्स एक्सिस पे आप एक मिरर रख दो, एक्स एक्सिस पे एक मिरर रख दो। सिंपल समझ लो कि जमीन जो है आपका, जमीन पूरी हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो जमीन पे आप एक मिरर रख दो। तो जब आप जमीन पे इस तरीके से देख रहे होगे ना, तो आपको लगेगा कि मिरर के नीचे भी कोई खड़ा हुआ है आप जैसा। मिरर का ही इफेक्ट होता है ना कि अगर मिरर सामने है तो आपको लगेगा पीछे से कोई आपको देख रहा है, जैसे आप सामने देख रहे हो वो आपको इस तरह देख रहा है। तो सेम वही समझो कि एक्स एक्सिस पे मिरर है, आप इस तरह खड़े हुए हो, तो जब आप मिरर को देखोगे ना आपको लगेगा कि नीचे से भी आपको कोई देख रहा है। तो अगर ऊपर ये इमेज है तो नीचे ये वाली इमेज होगी, इसको हम कहेंगे मिरर इमेज। तो वही होगा जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या मतलब कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपको ये चीज नजर आ रही है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे मिरर रख दूंगा तो जो चीज मुझे ऊपर नजर आ रही है नीचे भी वही नजर आएगी, इस तरीके से। अब ये सारा काम एज्यूम करने का है, एज्यूम आपने करना है तो बात समझ आएगी आपको, थोड़ा सोचोगे तो बात समझ आएगी कि ये ऊपर चीज थी। सेम अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे मिरर रख दूं तो जो मुझे चीज ऊपर नजर आ रही है नीचे भी वही नजर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे है इसका इमेज मुझे ऊपर मिल रहा होगा, इस तरीके से। तो जो मैंने ब्लैक ग्राफ बनाया ना, ये किसका बनाया, ये -sin x का बनाया। तो ब्लू ग्राफ है सिंपल sin x का। अगर आप इस sin x के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवा दो अबाउट x एक्सिस, मतलब जो ये पोर्शन है इसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओगे, एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा, जो नीचे पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो पूरा ग्राफ बनेगा आप, ये ग्राफ हो जाएगा -sin x का, इस तरीके, ठीक है। कॉस की भी जरा बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कॉस के ग्राफ की, तो कॉस का ग्राफ होता है इस तरीके से, यहां से स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल और इस तरीके यहां पे खत्म होता है, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। ये पॉइंट आपका 0 है और ये पॉइंट जो है ये 2π होता है। ये सिंपल ग्राफ है cos x का। मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप ग्राफ बनाओ यहाँ पे y = -cos x का, तो क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है एक्स एक्सिस के अबाउट, किस तरीके से। तो अगर ये आपके पास कॉस का ग्राफ है तो -cos का क्या हो जाएगा, पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो अगर दरमियान में आपने मिरर रखा होगा तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह इसके साथ वाला पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ऊपर इसकी ये थी, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाओगे तो नीचे आपको इस तरह का बन रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ये चीज जो है ये आपको ऊपर नजर आ रही होगी इस तरीके से। अच्छा, ये चीज जो है ये जो पूरा हिस्सा ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। जो ब्लैक वाला मैंने बनाया ये क्या है, रिफ्लेक्शन। आपने इस पूरे ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवा दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जो ऊपर चीज थी एक्स एक्सिस के सेम वो आपको नीचे नजर आ रही होगी, जो नीचे थी वो आपको ऊपर नजर आ रही होगी, इसी तरह जो ऊपर है ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, -cos x का। तो जब भी आप किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो सिंपल लैंग्वेज में आपका ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आखिरी चीज क्या है कि अगर आप उसके इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो फिर फर्क क्या पड़ेगा। जैसे ये जो ग्राफ है ये सिंपल है, साइन एक्स का ग्राफ मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ साइन माइनस एक्स का। अब जो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फंक्शन को माइनस से करोगे वो तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप एंगल को माइनस से करोगे तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका ग्राफ जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा अबाउट वाई एक्सेस। पहले आपने शीशा यहाँ पे रखा हुआ था ना, अब एज्यूम कर लो शीशा आपने यहाँ पे रखा हुआ, तो जो पॉइंट आपको इधर नजर आ रहा था वो सेम इधर नजर आएगा। कैसे? जैसे स्टार्ट अभी भी यहाँ से होगा, ये वाला पॉइंट आपको भी यहाँ नजर आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, तो इस टाइप की आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो क्या हुआ, जो एज्यूम कर लो कि वाई एक्सेस पे शीशा रखा हुआ है, तो जो साइन का ग्राफ आपको इधर नजर आ रहा है ना, सेम साइन का ग्राफ आपको इधर नजर आएगा। तो ये जो ग्राफ है ब्लैक से ये मैंने बनाया है साइन एक्स का, और ये जो बाद में ग्राफ बनाया ये किसका बनाया है, साइन माइनस एक्स का। तो साइन को ग्राफ को आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा दो तो ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फुल बनाऊं ना, ये फुल साइन का ग्राफ नहीं है, फुल साइन का ग्राफ तो पीछे भी होता है ना, तो अगर मैं ये जो ब्लैक वाला बनाया है ना इसको मैं फुल बनाता हूँ, पीछे से इस टाइप का होगा, इस तरीके से जा रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला है ना ये पूरा जा रहा था इस तरीके से, ये सिंपल साइन का ग्राफ था, लेकिन आपने क्या किया इसको वाई एक्सिस के अलाउंड रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये इस तरह बनेगा, नीचे से स्टार्ट होगा, इस तरह जाएगा, इसी तरह नीचे जाएगा, इस तरह जाएगा, करते करते इस तरह खत्म होगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं फर्क पैदा करने के लिए यहाँ पे डैश लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मजीद अच्छा आइडिया आ जाए, ठीक है। तो ये जो सॉलिड ग्राफ है ये पूरा साइन एक्स का था, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलते चलते यहाँ पे आया इस तरह, ये सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन अगर आप इसके इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। जो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही थी सेम यहाँ पे नजर आ रही है इस तरीके से, अगर आप देखो ये इस तरीके से जा रहा था, अब आपको ये देखो डैश डैश इस तरह नजर आ रहा है, ये पूरी नजर आ रही है। इसी तरीके से जो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही थी अब वो आपको वहां पे नजर आएगी। जैसे ये चीज इस तरीके से जा रही है ना, अब आपको यहाँ पे इस तरह नजर आएगा पूरा, मतलब ये पीक आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये पीक आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये पूरा पॉइंट। तो कहने का मतलब अगर मैं ब्लैक को मिटा दूं तो ये जो ग्राफ बनेगा पीछे ये ग्राफ होगा सिंपल साइन माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया किसका ग्राफ है, साइन माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो आपका ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप साइन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ या वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ, साइन के ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी ऑड फंक्शन है ना, अगर आप उनको एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ या वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ, उन पर फर्क नहीं पड़ता। ये जो रिफ्लेक्शन आपने देखी थी, ये जो ब्लैक वाली थी, ये इसका ग्राफ था माइनस साइन एक्स का। तो अगर आप इसको पीछे बनाओ तो इस तरह बनेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये वाला ग्राफ सेम ही तो है, ये ब्लैक वाला ग्राफ देखो पूरा, ठीक है, और ये वाला ग्राफ देखो एग्जैक्ट सेम है। हालांकि इसमें आपने रिफ्लेक्ट करवाया था अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें आपने रिफ्लेक्ट करवाया अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन ग्राफ ब्लैक वाले देखो दोनों सेम है। ऑड फंक्शन में हमेशा ऐसे ही होता है, क्यों? क्योंकि साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स का मतलब क्या आता है, रिफ्लेक्ट करवाओ अबाउट एक्स एक्सिस। जबकि इसको सिंप्लीफाई करो तो एग्जैक्ट यही चीज तो आ रही है। इसका मतलब आप साइन के ग्राफ को एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ या वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओ, ग्राफ सेम ही आता है। माइनस साइन एक्स का ग्राफ जो है वो सेम ही रहता है, बिल्कुल ठीक। हर ऑड फंक्शन के साथ यही होता है। जबकि कॉस के साथ आपने देखा था, ये कॉस का ग्राफ था जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओगे, और कॉस के ग्राफ को अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉस को अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाओगे तो आपको इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना। आपको पता है जब कॉस के अंदर माइनस आए तो उसको इग्नोर कर दो, कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर ही होता है, क्योंकि जो कॉस का ग्राफ है ये ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। अगर मैं फुल ग्राफ बनाऊं ना यहाँ पे कॉस का, तो इस टाइप का बनता है। तो अगर आप देखो ये ब्लू वाले को देखो, जो वाई एक्सिस के इस तरफ है, वाई एक्सिस के उस तरफ भी तो आपको वही मिल रहा है। देखो वाई एक्सिस की तरफ इस तरह है, वाई एक्सिस की तरफ इस तरफ भी इस तरह। तो कहने का मतलब कॉस का ग्राफ ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इवन फंक्शन है ना। तो अगर आप इसके इनपुट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ अभी भी ऐसे ही रहेगा। ये कॉस माइनस एक्स का ग्राफ भी यही होता है जो ग्राफ होता है कॉस एक्स का, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। तो जितने भी इवन फंक्शन है, मतलब जैसे कॉस हो गया, तो इनमें अगर आप एंगल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब ग्राफ पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं पूरा ग्राफ बनाऊ ना माइनस कॉस एक्स का, तो इस तरह बनेगा। तो ये ब्लैक में जो मैंने ग्राफ बनाया ये किसका, माइनस कॉस एक्स का। तो अगर आप पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब वो एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया। अगर उसके एंगल को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो ऑलरेडी वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक होते हैं। ये मैंने इवन फंक्शन के अंदर आपको पॉइंट लिखाया था कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, उसका ये मतलब होता है कि जो वाई एक्सिस इस तरफ है वही वाई एक्सिस के उस तरफ है, तो वो ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, मुझे पता है पॉइंट थोड़े मुश्किल लग सकते हैं आप लोगों को, अगर कोई बात क्लियर ना हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, बहुत अच्छा एडवांटेज है आपके पास। फिजिकल में ये पॉइंट किसी को भी बच्चे को समझ नहीं आएंगे, लिखवा के रख लो, बुक में बातें लिखी हुई है लेकिन किसी सिंध बोर्ड के बच्चों के बातें नहीं पता होंगी, और ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ही नहीं, बुक का नॉलेज है सारा का सारा। तो आप लोगों के लिए एडवांटेज ये है कि आप लोग रिकॉर्डिंग से भी देख के इन बातों को ना समझ सकते हो। अब आप लोग तकरीबन तैयार हो गए हो 12.2 करने के लिए। कोई आखिरी पॉइंट है यहाँ पे है? नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्ट ग्राफ ही है, वहीं पे हम समझ लेंगे। हाँ, बुक में आ जाओ आप जरा, मैं आप लोगों को बेसिक बातें, इसको स्क्रीनशॉट तो खैर लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को 12.2 की जो थ्योरी है ना वो जरा बताने लगा हूँ। सब नॉलेज आपने हासिल कर ली है, अब वक्त आ गया कि आप उस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो। तो सबसे पहली बार 12.2 का पहला टॉपिक तो आपको नजर आएगा, ये स्टार्ट होगा पेज नंबर, क्या कहते हैं, पेज नंबर 345 से। तो टॉपिक है 345 पे, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें आप पूरे टॉपिक में आपको समझाया हुआ है कि आपने ग्राफ पेपर पे किस तरीके से ड्रॉ करना है, साइन कॉस टेंजेंट एंड ग्राफ। तो मैंने बताया था, इंशाल्लाह बाद में मैं आप लोगों को भी समझा दूंगा, तो इस टॉपिक को आप लोगों ने स्किप कर देना। आप लोगों ने डायरेक्ट आना है पेज नंबर 350 के ऊपर, और दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे, गेस द ग्राफ ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 विदाउट एक्चुअली ड्राइंग देम। देखो पहले टॉपिक में ना आप साइन की वैल्यूज पुट करते थे, उनको ग्राफ पे जाकर ड्रॉ करते थे, ये काम करते थे आप जो ग्राफ पेपर पे आप करोगे। लेकिन इस टॉपिक में पेज 350 के अंदर आपको बोला हुआ है कि यार आपने टेबल नहीं निकालना, पूरा वैल्यूज नहीं निकालनी। वैसे आप बताओ कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इनके ग्राफ किस तरीके के होंगे। तो अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप लोगों को मसला नहीं होगा। बिलफर्ज अगर वो आपसे बोल रहे हैं साइन 2 थीटा का ग्राफ बताओ, तो क्या होगा साइन 2 थीटा का, अभी देख लेते हैं। आपने पढ़ा था सिंपल साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा 0 के ऊपर, एंड होगा 2 पाई के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, मिनिमम वैल्यू होगी -1। अगर आपको बोला जाए साइन 2 थीटा का, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या होगा? भाई पीरियड का फर्क है ना। इतनी अभी कहानी बताई थी आप लोगों को कि जब आप उसके इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पीरियड चेंज हो जाएगा। इसका पीरियड था 2 पाई, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो आपने देखा इसका पीरियड पाई है, तो उसको ड्रॉ कैसे करोगे, सिंपल कि पहले एक साइकिल 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल होती थी, अब 0 से 2 पाई तक 2 साइकिल हुआ करेंगी। कंसिडर कर लो ये 0 है और एज्यूम कर लो ये 2 पाई है और दरमियान में ये पाई है। तो अब पीरियड पाई हो गया ना, तो अब आपका ग्राफ के एक साइकिल पूरी पाई के अंदर कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि पीरियड आपने कम कर दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू अभी भी वही है, मिनिमम वैल्यू अभी भी -1 ही है, लेकिन कहने का मतलब 0 से लेकर पाई तक आपकी एक जो पूरी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर पाई के बाद आपकी दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको बोले 0 से लेकर 2 पाई तक कितनी साइकिल है, तो 2 साइकिल कंप्लीट होनी है, तो 2 दफा आपका ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रफली आपने बना दिया। जो टॉपिक है ना इसमें आपको ये बोला है कि एक्चुअल ग्राफ हम आपसे नहीं मांग रहे, बस रफ सा हमें बता दो। तो रफ सा अगर आप बनाओगे ना तो इस टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक, ये सिंपल ग्राफ है साइन 2 थीटा का। यहाँ पे वैल्यू पाई मिलेगी, 0 और पाई के दरमियान ये वाला पॉइंट जो है ये होगा π/2 और ये होगा 0। तो ये सिंपल ग्राफ हो जाएगा साइन 2 थीटा का। मैंने कोई वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कुछ भी टेबल कोई भी नहीं निकाला, रफली सा मैंने बता दिया कि साइन 2 थीटा का ग्राफ ये हो जाएगा। सही, इसके बाद उन्होंने बोला था cos 2 थीटा का ग्राफ बताओ, उसका भी जरा देख लेते हैं। cos थीटा ग्राफ आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग एंडिंग कहाँ पे हो रही है सारी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट cos के अंदर π/2 होता है। अच्छा, ये जो मिनिमम पॉइंट आपको मिलता है ये किस पे मिलता है, पाई के ऊपर। ये वाला पॉइंट क्या होता है, 3 पाई/2, और बिल्कुल एंडिंग वाला पॉइंट क्या होता है, 2 पाई। दोबारा बताता हूँ, ये 0 है, जब cos अपने x एक्स मतलब cos की 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे π/2 पे, तो ये π/2 होता है। cos की सबसे मिनिमम वैल्यू किस पे होती है, 180 डिग्री पे, तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर पॉइंट क्या है, पाई है। ये वाला पॉइंट क्या है, अगेन cos 0 कब होगा, 270 डिग्री पे, तो 3 पाई/2 पे cos 0 होता है। और बिल्कुल cos की वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू दोबारा कब मिलेगी आपको, 360 डिग्री पे मतलब 2 पाई पे। ये सिंपल ग्राफ होता है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट है π/2, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ये है पाई, ये है 3 पाई/2, ये है 2 पाई, और ये जो है ये 0 है। ये सिंपल ग्राफ होता है cos थीटा का। अगर आपको बोला जाए कि आप ड्रॉ करो cos 2 थीटा का ग्राफ, अगेन इसका पीरियड आपने क्या कर दिया, इसका पीरियड पाई कर दिया, मतलब अब ये ग्राफ 0 से लेके पाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले 0 मार्क करो, फिर पाई मार्क करो और इसके दरमियान एक पॉइंट मार्क कर लो जिसको आप बोल दो पाई बाय 2। तो पहले 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान ये वाला पॉइंट होता था, पाई वाला, जिसपे आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलती थी पाई के ऊपर। अब आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? पाई बाय 2 के ऊपर मिलेगी। तो अब देखना ग्राफ आपका इस तरह बनेगा, स्टार्ट वही 1 से होगा, स्टार्ट आपका भी 1 से हुआ, बिल्कुल दरमियान में आएगा यहाँ पे। अब देखो मिनिमम वैल्यू आपको पाई बाय 2 पे मिल रही होगी, तो यहाँ पे आएगा और इस तरीके ग्राफ बन रहा है। आप देखो इस ग्राफ में क्या फर्क है, यहाँ पे जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो किस पे मिल रही है? पाई बाय 2 पे मिल रही है। स्टार्टिंग आपका 0 से हुआ था, एंडिंग कहाँ पे हो रहा है? एंडिंग पाई के ऊपर। तो सेम यही ग्राफ है। अब आपने क्या कर दिया, इसका पीरियड कम कर दिया। एंडिंग पहले 2 पाई पे हो रही थी, अब पाई के ऊपर होगी। मिनिमम वैल्यू -1 आपको पाई पे मिल रही थी, अब मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है? पाई बाय 2 के ऊपर मिल रही है। स्टार्टिंग अभी भी 0 से था, स्टार्टिंग अभी भी 0 से था। अच्छा पहले ये पॉइंट होता था पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई बाय 4, 45 डिग्री। इसी तरह ये पॉइंट पहले होता था 270 डिग्री, मतलब 180 और 360 के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है? 270 होता है। अब अगर आप देखो ये है पाई बाय 2 और ये है पाई बाय 2 और पाई के दरमियान क्या होगा? 135 डिग्री, जिसको आप लिखते हो 3 पाई बाय 4। तो चाहो तो इस पॉइंट को मार्क कर सकते हो 3 पाई बाय 4 है, मतलब 135 डिग्री ये है पूरा। तो ये विदाउट मैंने कोई कैलकुलेटर कोई और चीज यूज नहीं की, रफली मैंने एस्टिमेट करके बता दिया कॉस 2 थीटा अगर आती होगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। यार कोई भी सवाल है, मुझे लगता है आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, कहीं भी फंसो तो मुझसे पूछ लेना लाजमी। अच्छा उसके बाद बुक वालों ने बोला हुआ कि एस्टिमेट करो ग्राफ साइन थीटा अपॉन 2 का। तो साइन थीटा अपॉन 2 का ग्राफ कैसे होगा, जरा इस पे आ जाते हैं। अगर आप देखो इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ यार, इतना तो बता सकते हो, क्या पीरियड होगा इसका? 2 पाई। यार ना करो ऐसा, बाकी स्टूडेंट भी ट्राई कर लो यार, तुम लोग क्लास ले रहे हो इतनी देर से। बट 2 पाई तो नॉर्मल साइन का पीरियड होता है ना, ये तो साइन थीटा अपॉन 2 है, इसका पीरियड क्या होगा? 1 पाई होगा। नहीं एक स्टूडेंट ने सही लिखा, किसने लिखा है? हाँ ईशा ने सही बताया, 4 पाई होगा। भाई यार पीरियड निकालने का सिंपल तरीका बताया था ना, साइन का पीरियड 2 पाई होता है डिवाइडेड बाय थीटा से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा से 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर दो 1/2 से, सॉल्व करना, इसका पीरियड 4 पाई आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर नंबर 12 मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ मुश्किल है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊं सही तरीके से। इतना ईजी नहीं है मेरे लिए समझाना, खुद चीजें समझ लेना और दूसरे को समझाने में फर्क होता है। कल मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को सही तरह नहीं समझ आया होगा, मैंने दोबारा वो टॉपिक दोबारा आप लोगों को शुरू में समझाया कि यार चलो मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। तो मुश्किल टॉपिक में ये मसला होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा वरना टॉपिक स्किप हो जाएगा आप लोगों से। तो 12.2 नहीं कर पाओगे, 12.2 बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसलिए देख लो जहाँ मसला हो रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्लियर हो जाएगा वो। तो साइन थीटा अपॉन 2 का पीरियड मुझे क्या मिल गया? 4 पाई। तो यार सिंपल आपने साइन का ग्राफ देखा था, साइन का ग्राफ स्टार्ट होता था 0 से, दरमियान वाला पॉइंट होता था पाई, एंडिंग वाला पॉइंट होता था 2 पाई। ये सिंपल साइन थीटा का ग्राफ था। साइन थीटा अपॉन 2 का ग्राफ क्या हो जाएगा? अब स्ट्रेच हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच कर दो। कितना स्ट्रेच करना है? पहले 2 पाई पे खत्म हो रहा था, अब ये खत्म होगा 4 पाई पे। तो कंसीडर कर लो ये 0 है, ये वाला पॉइंट 2 पाई है और ये वाला पॉइंट 4 पाई है। तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, कोई ग्राफ है। अब चीजें चेंज हो गई हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पाई होता था, अब ये वाला पॉइंट क्या है? 2 पाई। यहाँ पे एंडिंग 2 पाई पे होती थी, अब एंडिंग किसके ऊपर होगी? 4 पाई, क्योंकि अब इसका पीरियड क्या हो गया? 0 से लेके 4 पाई तक आपको एक साइकिल नजर आ रही है इसकी, तो पीरियड इसका। और 0 से लेके 2 पाई के दरमियान हाफ साइकिल है, आधा ग्राफ है 0 से लेके 2 पाई के दरमियान। तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा अपॉन 2 का ग्राफ रफली से आपका ये बनेगा। अगर आप चाहो तो इस मैक्सिमम पॉइंट को भी मार्क कर सकते हो, 0 और 2 पाई के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है? पाई होता है। इसी तरह इस मिनिमम पॉइंट को भी मार्क कर सकते हो, 2 पाई और 4 पाई के दरमियान कौन सा पॉइंट होगा? 3 पाई। तो मिनिमम बिल्कुल 3 पाई पे मिलेगा, मैक्सिमम आपको पाई पे मिलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये ग्राफ हो जाएगा सिंपल साइन थीटा अपॉन 2 वगैरह। और आखिरी चीज उन्होंने क्या बोली हुई है? कॉस थीटा अपॉन 2 का ग्राफ क्या होगा? तो ये मैंने कॉस थीटा का ग्राफ आप लोगों को बताया हुआ है, 0 पॉइंट होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आपको 2 पाई मिल रहा है और दरमियान वाला पॉइंट यहाँ पे पाई है। अब जरा आप लोग बनाओ किसका? कॉस थीटा अपॉन 2 का। अब क्या होगा? अगेन इसका पीरियड 4 पाई है, तो आप मेंशन कर दो एक्स एक्सिस पे। कंसीडर कर लो ये 0 है, ये कहीं आपको मिल रहा है 2 पाई और यहाँ पे आपको मिलेगा 4 पाई, पीरियड इसका 4 पाई, तो एक पूरी कैलकुलेशन वहां पे होगी। आप देखो जो बिल्कुल 0 और 2 पाई के दरमियान जो पॉइंट था ना पाई, उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलती है कॉस्ट में, दरमियान में मिलती है। तो 0 और 4 पाई का दरमियान क्या है 2 पाई, इसका मतलब बिल्कुल दरमियान में आपको यहाँ पे -1 वैल्यू मिल रही होगी। अब जरा बनाते हैं। इस तरीके से आप देखो बिल्कुल 0 2 पाई के बिल्कुल मिनिमम आपको -1 मिल रही है। अच्छा 0 और 2 पाई के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है पाई, तो ये पाई हो जाएगा। 2 पाई और 4 पाई के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है 3 पाई, 3 पाई हो जाएगा। तो आप देखो एक पूरी रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दोबारा इसको यहाँ पे आने तक का कितना टाइम लगा है, देखो सेम इस पॉइंट पे दोबारा आया है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आया, तो 4 पाई तक टोटल डिस्टेंस को कितना लगा, 4 पाई डिस्टेंस लगा है इसको पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगेन मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 1 है, मिनिमम पॉइंट यहाँ पे -1 है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। पर चेंजिंग हो रही है कि आप ग्राफ को हॉरिजॉन्टली या तो स्ट्रेच कर रहे हो या हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस कर रहे हो उसको, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारी बातें मैंने समझा दी थी। अब बुक वाले जब ये लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया है। तो ये मैंने आप लोगों को 4 ग्राफ बना दिए हैं साइन और कॉस 2 थीटा के और साइन और कॉस थीटा पॉइंट 2 के। तो ये बुक ने पूरा समझाया है पेज 350 पे पेज। अच्छा उन्होंने साइकिल भी बताई नहीं है, तो अगर आप इसमें देखो 0 से लेके 2 पाई, नॉर्मली जब आप साइकिल की बात करते हो ना तो 0 से लेके 2 पाई की बात कर रहे होते हैं। तो देखो इन्होंने पेज 351 के एंड पे लिखा हुआ है, ये उन्होंने ग्राफ कॉस 2 थीटा का बनाया था। लिखा हुआ शोज द ग्राफ ऑफ कॉस 2 थीटा, इट हैज 2 साइकिल। 2 साइकिल का मतलब 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान 2 दफा, मतलब 2 साइकिल उसकी आई हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा पॉइंट 2 की मुझे साइकिल बताओ, तो इसकी साइकिल क्या होगी, हाफ साइकिल होगी, क्योंकि साइकिल आप देखते हो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान कितना दफा वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखो 0 से पाई तक वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, हाफ कंप्लीट हुआ है। दैट्स वाई आप क्या बोलोगे 0 से लेकर 2 पाई तक उसकी हाफ साइकिल है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप आओ, 0 से लेकर 2 पाई तक उसकी हाफ साइकिल है, कंप्लीट ही नहीं हुआ, हाफ कंप्लीट हुआ है। जबकि आपने ग्राफ पढ़े थे साइन 2 थीटा के, तो साइन 2 थीटा जो है ये पॉइंट पाए था, फिर दोबारा 2 पाई। तो कहने का मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी 2 साइकिल हुआ करती थी, साइन 2 थीटा की, इसी तरह कॉस 2 थीटा की भी यही थी, क्योंकि इनके पीरियड पाई होते थे ना, तो 2 पाई तक इनकी 2 साइकिल कंप्लीट हुआ करती थी। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इसकी 2 साइकिल होती हैं, और साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इसकी हाफ साइकिल होती है 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान। तो ये बातें सब बुक में मेंशन की हुई हैं। फिर 352 पे उन्होंने साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 का बनाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, बताओ समझ आ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसी पैटर्न पे साइन थीटा अपॉन 2 है ना, ये पेज नंबर 353 पे एग्जाम्पल है साइन थीटा अपॉन 8 की। तो क्वेश्चन बता सकता है इसका पीरियड क्या होगा। अब साइन थीटा, एक्सीलेंट, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 16 पाई। अब इसका मतलब क्या है, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको टोटल 16 पाई चाहिए। तो इसका ग्राफ पूरा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। तो एज्यूम करो कि ये वाला पॉइंट 0 है, स्केलिंग हम थोड़ी छोटी करते हैं वरना 16 पाई तो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। कंसीडर कर लो ये 8 पाई है और कंसीडर कर लो ये 16 पाई है। अब इसकी एक साइन की पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको टोटल 16 पाई चाहिए। इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट तो वही रहेगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए 16 पाई डिस्टेंस आपको चाहिए। तो अगर आपसे कोई बोले कि 0 से लेकर 2 पाई तक कितनी साइकिल इसकी कंप्लीट हुई हैं, तो 1/8 साइकिल कंप्लीट हुई है इसकी, मतलब 1/8। जैसे यहाँ पे 1/2 साइकिल कंप्लीट हो रही थी ना, तो यहाँ पे कितनी होगी 1/8 साइकिल कंप्लीट होगी, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट है 4 पाई, 2 पाई यहाँ पे है। 0 से लेकर 2 पाई तक कितने ग्राफ कंप्लीट हुआ है, तो हम बोलेंगे इसका ग्राफ 1/8 कंप्लीट हुआ है। 1/8 करते ओवरऑल पूरा 16 पाई के दौरान आपका पूरा ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा होगा। तो ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे बात के यार कितनी साइकिल है इसकी। तो सिंपल इसका आंसर ये कि जैसे साइन थीटा अपॉन 2 की कितनी साइकिल थी, 1/2 साइकिल थी। सिंपल आप देखो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, अगर 2 डिवाइड हो रहा है तो 1/2 साइकिल है इसकी। साइन थीटा अपॉन 8 की कितनी साइकिल है, 1/8 साइकिल है। पेपर में एमसीक्यूज में आ जाए साइन थीटा अपॉन 4 की कितनी साइकिल है, तो आप बोलोगे 1/4 साइकिल। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए फॉर एग्जाम्पल साइन 2 थीटा, तो भाई कितनी साइकिल है, 2 साइकिल है इसकी। अगर आ जाए साइन 4 थीटा, तो आप कितनी साइकिल हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है उतनी साइकिल आपकी होती जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। एक नंबर होता है पूरा एमसीक्यूज का, तो अगर कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो याद है, वरना भूल जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पे इन्होंने ड्रॉ किया है 2 sin 2 थीटा का, तो बड़ी बात नहीं है। क्लास के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बात बताई थी 2 sin 2 थीटा में क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका 2 हो जाएगा और पीरियड इसका पाई हो जाएगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोग दोबारा देख लेना इसको। तो ये बोले अच्छा, मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया था ना, अब वो आपको एक और अगले टॉपिक में काफी काम आएगा। ये टॉपिक आपके लिए काफी हलवा हो जाना चाहिए। कौन सा? अगर ये आओ 354 पे, तो लिखा हुआ है डिफाइन, 3 बातें डिस्कस की हुई उन्होंने साइन कॉस टेंजेंट से रिलेटेड अगले 5 6 7 पेजेस के ऊपर। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहले लिखी हुई है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी ना कि साइन के अंदर अगर आप 2π ऐड करो या अगर 2π सब्ट्रैक्ट भी करो तो वही रिपीट होगी वैल्यू उसकी, कि साइन थीटा के अंदर आप 2π ऐड करो तो वो साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत दफा देखी है। फिर दूसरे में लिखा हुआ है ऑड प्रॉपर्टी। ऑड प्रॉपर्टी वही है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो उन्होंने ऑड प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है। सिंपल लैंग्वेज में कि साइन फंक्शन जो है वो एक ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, तो ये भी प्रॉपर्टी को खास नहीं है डिस्कस करने के लिए। असल है आखिरी प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। ये जो आपने शिफ्टिंग पढ़ी है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, इसी तरह वर्टिकल शिफ्ट करना ऊपर या नीचे, इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो मैं एक सवाल देता हूँ, जरा उसको हमें प्रूफ करना है। ये 12.2 में भी आपको मिलेगा कि सवाल इस टाइप का होगा, आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करो साइन थीटा माइनस पाए बराबर है माइनस साइन थीटा के, ग्राफ के जरिए से प्रूफ करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब वो मामला निकल गया कि आप अलजबरी करिए अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर रहे हो, वो कह रहे हैं ग्राफ के जरिए से हमें बताओ कि ये वाली चीज बराबर है इस वाली चीज के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? साइन थीटा माइनस पाए। आप लोगों के लिए अब ये हलवा हो जाना चाहिए। क्यों? सिंपल साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? साइन थीटा का ग्राफ ये होता है बेसिक सा, 0 π 2π, ये सिंपल साइन थीटा ग्राफ है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो, राइट हैंड साइड पे माइनस साइन थीटा भी आ रहा है ना, तो जरा माइनस साइन थीटा का पहले ग्राफ बना लेते हैं। माइनस साइन थीटा का मैं नीचे बना लेता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। जो ऊपर है वो चीज नीचे चली जाती है, जो नीचे है वो चीज ऊपर चली जाती है। तो ये साइन का ग्राफ बन रहा है ना, ये जो 0 से लेके π तक, अगर आप देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे अबाउट एक्स एक्सिस तो ये चीज नीचे चली जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा नीचे है, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे अबाउट एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है ना, ये जस्ट किसका ग्राफ है? माइनस साइन एक्स का। तो ये ग्राफ है साइन एक्स का, ये ग्राफ है माइनस साइन एक्स का, 0 π 2π। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट करवाना, कि जो ऊपर था उसको आप नीचे ले गए, जो नीचे था उसको आप ऊपर ले गए। तो ये ग्राफ है माइनस साइन एक्स का। तो राइट हैंड साइड पे आया हुआ माइनस साइन एक्स, इसका मतलब इस पूरी चीज का ग्राफ इस तरीके का बनना चाहिए। आपको प्रूफ करना है ना कि ये पूरी चीज इसके बराबर है, तो मतलब इस पूरी चीज का ग्राफ होना चाहिए माइनस साइन थीटा के ग्राफ के मुताबिक, मतलब इसके मुताबिक होना चाहिए। तो जरा हम इसको ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं इसका ग्राफ इसके बराबर आ रहा हो। इसका ग्राफ क्या है? साइन थीटा माइनस पाए। बच्चों, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क तब पड़ता जब थीटा से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता, पीरियड सेम है। एम्पलीट्यूड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे नहीं, एम्पलीट्यूड भी वही है। अच्छा, इसी तरह इस पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है नहीं, इसका मतलब वर्टिकली भी शिफ्ट नहीं करना। सिर्फ एक ही यहाँ पे काम हुआ, वो एक हॉरिजॉन्टली आपका ग्राफ शिफ्ट होगा। जरा देख लेते हैं, ये आपका ग्राफ है ना साइन थीटा का, ये ग्राफ है। मैंने बताया था थीटा के अंदर जब भी आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। अगर दरमियान में माइनस आ रहा है, इसका मतलब आप अपने ग्राफ को राइट की तरफ लेके जाओगे, और अगर दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप ग्राफ को लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे। तो दरमियान में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपको राइट की तरफ मूव करना है। कितना राइट की तरफ मूव करना है? पाई यूनिट। तो ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ था, इसको अब आपने मूव करना राइट की तरफ। अब जरा देखो, मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ। पहले ये स्टार्ट हो रहा था 0 से, इसको राइट की तरफ लेके जाना है। कितना? पाई यूनिट। मतलब पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये पाई पे स्टार्ट हो गया। अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है? पाई। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, इस तरीके से बनेगा। पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीरियड वैसी है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आएगा 2π पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है? 2π। करते करते खत्म कहाँ पे होगा? 3π के ऊपर खत्म होगा। इसको मालूम करने का भी तरीका होता है कि इनिशियल और एंडिंग पॉइंट आप किस तरह मालूम करते हो। जो भी यहाँ पे एंगल है ना, उसको आप रखो 0 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू आ रही है पाए, इसका मतलब पाए पे आपने स्टार्ट करना है। और इस एंगल को आप एंड करो किसके ऊपर? 2π के ऊपर, 2π के इक्वल रखो। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 3 पाई, इसका मतलब खत्म कहाँ पे हो रहा है 3 पाई के ऊपर हो रहा है। तो आपने क्या किया, यही ग्राफ है, हर चीज यही है, बस इसको उठा के आगे ले गए। तो ये पाई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप ये ग्राफ है किसका, साइन थीटा माइनस पाई का, और ये ग्राफ है माइनस साइन थीटा का। आप कहोगे सर ये दोनों तो अलग हैं, अभी ये इक्वल कैसे हैं? वो इक्वल इसीलिए नहीं आपको नजर आ रहे क्योंकि आपने पूरा साइन नहीं बनाया हुआ। ये तो साइन का एक हिस्सा होता है ना, पूरा ग्राफ आप बनाओ तो जब पूरा ग्राफ बनाओगे तो साइन का इस तरह बन रहा होता है। एज्यूम करो ये पूरा साइन का ग्राफ है, इस तरह चल रहा होता है, पूरा साइन का ग्राफ तो पूरा है ना। तो जब आप इसको उठा के यहाँ पे ला रहे हो तो ये जो पीछे वाला हिस्सा ही नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरह बन रहा होगा। साइन का ग्राफ तो पूरा चल रहा होता है, एक पीस आप डिस्कस कर रहे हो ना। तो अगर आप ये जो पॉइंट था तो आप पाए पे लेकर आए, तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये वाला जो पीक है ये भी मूव करके यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, और इस टाइप का पूरा आपका ग्राफ बन रहा है। अब अगर आप देखो इस ग्राफ और इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, ये भी स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये भी स्टार्ट हो रहा है 0 से, सेम इसी तरीके से जा रहा है। अगर आप इसको मूव करो आगे इस तरह जाएगा 3 पाई के ऊपर, और 3 पाई पे देखो खत्म हो रहा है। इसी तरह अगर आप पीछे लाओ तो पीछे भी इस तरीके से, आप देखो एग्जैक्ट कोई फर्क नहीं है इस ग्राफ और इस ग्राफ में, सेम है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ये ग्राफ है माइनस साइन थीटा का कह लो, और ये ग्राफ है साइन थीटा माइनस पाई का। तो वही प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की। आप ऑब्जर्व करो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपस में बराबर है, यही सवाल उन्होंने बुक में मेंशन किया है, ठीक है। तो ग्राफ के जरिए से हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है यहाँ पे राइट हैंड साइड की। अच्छा, इससे अगला क्या है, अगला इसका ये है, ये थीटा माइनस पाई है ना, अगला है पाई माइनस थीटा, और आपने प्रूफ करना है कि बराबर है साइन थीटा की। मतलब इस पूरी चीज का ग्राफ जो है ये किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। अब कैसे आप इसको प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है, ये चीज लिखी हुई है ना, हाँ। तो इसको प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका, आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, लेफ्ट हैंड साइड है पाई माइनस थीटा। कोशिश रखा करो थीटा के साथ पॉजिटिव आए, जो थीटा था या जिसको कहीं आप एक्स लेते हो वो पॉजिटिव हो, बाकी के साथ नेगेटिव जो भी आ रहा है। तो मैं काम करो अंदर एंगल से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है उस नेगेटिव को बाहर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस पाई। तो ये पूरी चीज जो है ये किसके बराबर होगी, माइनस साइन थीटा माइनस पाई। मतलब आपको सिंपल प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब आप क्या करो, इसको ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करो, और आप खुद देखोगे दोनों के ग्राफ सेम बन रहे हैं। कैसे? साइन थीटा का ग्राफ तो आपके सामने बना हुआ है, ये सिंपल साइन थीटा का ग्राफ होता है। आपको बनाना है माइनस साइन थीटा माइनस पाई का, माइनस को इग्नोर कर दो। ये साइन थीटा माइनस पाई का ग्राफ क्या होता है, अभी बनाया था, अभी आपने पूरा सीखा था कि साइन थीटा माइनस पाई का ग्राफ आपने किस तरीके से बनाना है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इसका बताया था ना, आप आसानी से ड्रॉ करना साइन थीटा माइनस पाई। जब ये ग्राफ आ जाए आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ये ग्राफ है साइन थीटा माइनस पाई का, इसको रिफ्लेक्ट करवाओ, जो पीक नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, इस तरीके से। कि जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये इस तरह बन रहा है, जब आप एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट करवाओगे इस तरह बनेगा, इसी तरह नीचे है तो ये ऊपर बन जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे बन जाएगा, इसी तरह नीचे है ये ऊपर बन जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक में बनाया ना, ये ब्लैक का ग्राफ किसका है, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई। आप ऑब्जर्व करो ये ब्लैक वाला ग्राफ ही साइन का ग्राफ होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, यही तो होता है साइन का ग्राफ, इस तरीके से बन रहा होता है, ये साइन का ग्राफ ही तो है। इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस पाई का ग्राफ क्या है, एक्चुअल में किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। तो ये पूरी चीज किसके बराबर है, साइन थीटा के। आपने पहले ये ड्रॉ किया, फिर आपने ड्रॉ किया साइन थीटा का ग्राफ। आप ऑब्जर्व करो दोनों ग्राफ सेम है, आप इसको बढ़ाते जाओ एग्जैक्ट सेम है, ब्लैक वाला ग्राफ देखो ब्लू वाला देखो, ये आपस में मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी चीज किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज साइन से रिलेटेड, फिर उन्होंने कॉस की डिस्कस की हुई है, टेंजेंट की डिस्कस की हुई है, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जितने टॉपिक थे ना 12.2 के वो मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। अब मेरे पास 2 मिनट है, 5 मिनट है, मैं एक 12.2 का एक सवाल करवा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह 12.2 हम दोबारा कंप्लीट कर लेंगे कल। टॉपिक मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, इसी से रिलेटेड 12.2 में आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका मैं एक पार्ट करवा देता हूँ ताकि मजीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर बाकी इंशाल्लाह कल हम 12.2 को पूरी सॉल्व कर लेंगे और 12.3 पे आ जाएंगे। टॉपिक रिवाइज कर लेना कल की क्लास में, ये जो मैंने आज की बातें बोली है सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। 12.2 का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा मुश्किल वाला लेते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 5 है। लिखा हुआ प्रूफ करो साइन 3π/2 माइनस थीटा के बराबर है माइनस कॉस थीटा के। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, लेकिन भाई अलजेब्रिकली प्रूफ नहीं करनी, मतलब आप इस पे अल्फा माइनस बीटा लगा के प्रूफ नहीं कर सकते कि माइनस कॉस थीटा का बराबर, वो वक्त गया, वो चैप्टर नंबर 10-11 में आप करते थे। अब आपको ग्राफ के जरिए से प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड बराबर है, तो जरा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? इसका। अगेन मैंने कहा था थीटा के साथ नेगेटिव नहीं आना चाहिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो बेस्ट काम क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, आप माइनस कॉमन लो अंदर से, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 3π/2, ठीक है, माइनस को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस 3π/2। तो इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूफ करना है किसके बराबर है, माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो एक तो आपको इसका ग्राफ बनाना है पूरा, फिर आपको इसका ग्राफ बनाना है। आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ग्राफ जो है वो सेम है। जरा बनाते हैं, कोशिश करना पूरे पूरे ग्राफ बनाओ, लेफ्ट पे भी बनाओ राइट पे भी बनाओ, ताकि थोड़े आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले इस माइनस को इग्नोर करते हैं, इसको तो एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाना होगा ना, फिलहाल इग्नोर कर दो। ग्राफ क्या है, साइन थीटा माइनस 3π/2। जरा मैं साइन थीटा का ग्राफ बना लेता हूँ ब्लू से, फिर ब्लैक से थीटा माइनस 3π/2 का बना लूंगा। तो ये इस तरह चल रहा होता है, इस तरह जा रहा होता है, और यहाँ पे भी आ रहा होता है। ये वाला पॉइंट 0, अगेन पाए, अगेन 2π, ये वाला पॉइंट माइनस पाए, ये वाला पॉइंट माइनस 2π। इस तरीके से पूरा ग्राफ किसका मैंने आप लोगों के सामने बनाया, साइन थीटा का। अब आप देखो इसके साथ हुआ क्या है, इसके साथ वर्टिकल शिफ्ट हो गया है। आप देखो इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने वर्टिकली मूव करना है। दरम्यान में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने इसको लेफ्ट के ऊपर लेके जाना है। कितना लेफ्ट के ऊपर लेके जाना है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है तो राइट की तरफ लेके जाना है। अब आपको कितना राइट की तरफ लेके जाना है, सवाल में लिखा हुआ है 3π/2। 3π/2 आपने इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, गौर से समझना इसको। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, आपने इसको राइट की तरफ 3π/2 लेके जाना है। 3π/2 है कहाँ पे, देखो पाए और 2π, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री, इसका हाफ होता है 270 डिग्री। अगर एवरेज निकालो 180 और 360 का एवरेज निकालो तो 270 आता है। बिल्कुल दरमियान में आपके पास होगा 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो कहने का मतलब पहले आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा था 0 से, तो पीछे वाले को छोड़ो, 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब आपने यही चीज जो है ना, ये कहाँ पे स्टार्ट करनी है, 3π/2 पे स्टार्ट करनी है। अब जरा देखना ग्राफ किस तरह बनेगा। ये वाला पॉइंट जो है अब आपका यहाँ से आएगा, आपकी पीक बन रही होगी इस तरीके से, यहाँ पे आएगी, फिर इस तरीके से नीचे चला जाएगा। तो अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, फिलहाल हम मालूम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, फिलहाल इसको इग्नोर कर दो। लेकिन ये जो पीक पहले यहां से स्टार्ट हो रही थी ना, इस तरह जा रही थी, अब यही पॉइंट जो पहले यहाँ पे था, अब इसको 3π/2 आपने ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आए हो। टोटल ये डिस्टेंस कितना है, 3π/2 डिस्टेंस है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपने बना दिया, अब पीछे वाला हिस्सा बना दो। पीछे वाला हिस्सा तकरीबन इतना बन रहा होगा इस तरीके से, यहाँ करके इस तरीके से आ रहा होगा। बिल्कुल दरमियान दरमियान में आपने लाना है, हर चीज को दरमियान में सेंटर में लेके जा रहे हो, बिल्कुल दरमियान में आपने किया है, इसी तरह ये भी दरमियान में आए। इस तरीके का आपके पास एक पूरा ग्राफ बन रहा है। मैं इसको पीछे भी बना देता हूँ इस तरीके का। ये ब्लैक वाला पूरा ग्राफ किसका है, साइन थीटा माइनस 3π/2 का, ये इसका ग्राफ है। कि पहले पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ पे ले गए, क्योंकि राइट की तरफ आपको शिफ्ट करना था। तो सेम चीज अब आपको यहाँ पे मिल रही है, 3π/2 यहाँ पे, और पूरा ग्राफ आपके सामने जो पूरा आपने बना दिया, सही। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, आपने इसको क्या करना है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है आपने अबाउट एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव को कैसे करोगे, फिलहाल इस पॉइंट को डिस्कस करो, वाई एक्सिस को छोड़ दो, पीछे की तरफ इससे डिस्कस करो। अगर आप देखो तो पूरा कॉस का ग्राफ है, अगर आपको याद हो तो ग्राफ किस तरह होता था, कॉस का ग्राफ ये होता था। तो अगर आप देखो ये बिल्कुल कॉस का ग्राफ है, इस तरह यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये पॉइंट क्या, 2π है, यही तो होता था कॉस का ग्राफ, 0 से लेकर 2π। तो अगर हकीकत में देखो जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है कॉस का ग्राफ है, मतलब साइन थीटा माइनस 3π/2 ये कॉस के बराबर होता है, ये कॉस का ग्राफ बना हुआ है। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे, और ये सेम चीजें, मतलब अगर आप कोशिश करो, बल्कि एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे जहन में आया है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इस तरह लिखो ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सिंप्लीफाई की है, इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, पीछे क्या बचा हुआ है, पीछे बचा हुआ है साइन थीटा माइनस 3π/2 बराबर है कॉस के। तो ये प्रूव हो गया आपका सवाल। अगर आप देखो ये आपने पूरा ग्राफ बनाया साइन थीटा माइनस 3π/2 का, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह जाता है। तो सवाल आपका प्रूव बन गया, आपका कॉस का ग्राफ। तो आपने बनाया था इसका ग्राफ, और जैसे ही आपने इसका ग्राफ बनाया, आपने देखा कि यार कॉस का ग्राफ भी तो ये होता है ना, आपको तो ऐसा ग्राफ भी ये आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ये पूरी चीज इसके बराबर है ग्राफ के जरिए से। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना फिर अगर आप नेगेटिव को कंसिडर करते, आप इसको रिफ्लेक्ट करवाते, फिर कॉस को रिफ्लेक्ट करवाते, एक ही बात होती ना, सब नीचे आ जाते। तो मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया और ग्राफ के जरिए से प्रूव कर दिया कि ये पूरी चीज बराबर है कॉस के ग्राफ के।